नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइकपुर टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 1 दिसंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक बड़ी खबर आपको बताने के लिए जो आपके भुगतान के संदर्भ में है, और भी चर्चाएं आपके साथ करूंगा। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे, और जिन साथियों ने हमारे न्यूज चैनल युगांतर न्यूज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों ये काम इसलिए अत्यावश्यक है कि इसी से आपकी एकता और संगठन की मजबूती का पता चलेगा, आपकी जागरूकता का पता चलेगा, आपकी राष्ट्रभक्ति का पता चलेगा। और जब सत्य को, सत्ता को, दुनिया को ये सत्य मालूम चल जाएगा कि अब ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार एकजुट हो चुके हैं तप जप के संगठन के बैनर तले, और अब वो भुगतान से पहले इस तूफान को रुकने नहीं देंगे, तो सारे दुष्टात्माओं के, ठगों के और बेईमानों के मन में एक भय उत्पन्न होगा दोस्तों, और आपके भुगतान के प्रति सरकार अपनी संजीदगी दिखाएगी, और आप सबका भुगतान भी उसी तरह से होगा जिस तरह से ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों के सदस्यों के साथ सदस्यों का भुगतान सुनिश्चित होता जा रहा है सब जगह से। मैंने कल बताया था आपको, उत्तराखंड की खबर बताई थी, हरियाणा की बताई थी, बिहार की बताई थी, झारखंड की बताई थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, इन तमाम खबरों के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं दोस्तों। आज भी एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है, मुरादाबाद मंडल से। मुरादाबाद के कमिश्नर साहब ने मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल के DM साहिबान को निर्देशित कर दिया है कि वो बट्स एक्ट के अंतर्गत 180 दिन में तमाम आवेदकों का भुगतान सुनिश्चित करें। ये पत्र आज ही हमारे जिला प्रभारी पीताम्बर सिंह साहब को डिविजनल कमिश्नर साहब ने भेजा है। स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है लेकिन ये मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर लगा दिया है दोस्तों, वहां जाकर के आप पढ़ सकते हैं इसको। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है और उसको फॉलो कर लें, चूँकि फ्रेंडशिप का ऑप्शन नहीं है उसमें। तमाम फ्रेंडशिप की जो एक कैटेगरी होती है, शर्त होती है, वो पूरी हो चुकी है। मेरे 5,000 फ्रेंड हो चुके हैं, फॉलोवर भी मेरे हज़ारों में हैं, तो आप सब भी उसको जा कर के फॉलो कर लें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्रमाण सहित मिल जाया करे। वैसे तो मैं प्रमाण देना ज़्यादा उचित नहीं समझता हूँ, चूँकि मैं एकदम सत्याग्रही हूँ, सत्यवादी हूँ, तो मेरे तो वचन ही प्रमाण होते हैं, और वो मेरे अपने वचन नहीं होते, वो स्वयं परमात्मा के वचन होते हैं। वो जो कहलवाना चाहते हैं मैं वही कहता हूँ, जो वो करवाना चाहते हैं वही करता हूँ। मेरी अपनी कोई भी इच्छा या अनिच्छा किसी भी संबंध में नहीं होती है, मैं तमाम ऐषणाओं से परे हूँ, और इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है किसी धूर्त की, मूर्ख की, ठग की, बेईमान की, माफिया की, गैंगस्टर की, कि वो मेरे बारे में क्या कहता है या वो मुझे क्या चेतावनी देता है, क्या धमकी देता है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं जानता हूं कि कोई मेरा बाल भी उखाड़ नहीं पाएगा, बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, जो कि धूर्त और बेईमान और ठग और उनके दल्ले और दल्लियां मिलकर जो षड्यंत्र रच रहे हैं या जो प्रयास कर रहे हैं, कुत्सित प्रयास, उसमें वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उनका अंत तय, अंत होना है सबका, और आप सबका भुगतान होना है। ये दो चीजें दोस्तों तय हैं, इसमें कोई बिल्कुल भी संदेह मत करना। एक तो किसी भी ऐसे व्यक्ति का भुगतान नहीं रुकेगा जो हमारे संगठन से जुड़ा होगा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तप जप का मेंबर होगा, उसका भुगतान 100% होगा, निश्चित रूप से होगा। संसार की कोई भी ताकत उसका पैसा रोक नहीं सकती, और वो भी 2 से 3 गुना होगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत होगा। दूसरा, संसार की सारी शक्तियां भी मिल जाएं ठगों को, बेईमानों को, उनके दलालों को और दल्लियों को बचाने के लिए, टपका लपका गैंग सारे भी एकजुट हो जाएं, तो भी इनमें से किसी एक का भी अस्तित्व हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि पर रह नहीं पाएगा। इन सबका अंत होगा दोस्तों। और जिस तरह से जब कोई महायुद्ध होता है तो उसमें कुछ उन मोनी बाबाओं को भी कुचल दिया जाता है जो तटस्थ रह जाते हैं। वो किसी ने कहा है ना कि
समर से सह नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो जो तटस्थ रह जाते हैं उनको भी समय दंड देता है, निश्चित रूप से उन साथियों को भी दंड मिलेगा जो आज मौन धारण किए हुए हैं या तटस्थ हैं और शांत भाव से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों बचना नहीं है, कोई नहीं बचेगा, आपको दो में से एक पक्ष चुनना होगा, या तो आप हमारे साथ यानी सत्य के साथ खड़े होंगे या फिर हमारे विरोध में खड़े होंगे। ये दो ही पक्ष हैं, क्योंकि तीसरा पक्ष भी अंततः अधर्मी पक्ष मानकर, ठगों का पक्ष मानकर उसका भी सर्वनाश सुनिश्चित कर दिया है परमात्मा ने। तो इसलिए तटस्थ रहने की आवश्यकता नहीं है, खुल के आ जाइए मैदान में, या तो सत्य के पक्ष में खड़े हो जाओ या असत्य के में। मैं सबको आह्वान करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, खुली चुनौती देता हूँ, दोस्तों दो में से किसी एक पक्ष को चुन लो, चूंकि दूसरे पक्ष में भी जाओगे और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होगे तो कम से कम तुम्हारा अगला जन्म सुधार दिया जाएगा कि यार ये लड़े थे। दुर्योधन को भी स्वर्ग दे दिया था थोड़ी देर के लिए, ध्यान रखना इस बात को मेरी को। तो इसलिए तमाम साथी अपनी अपनी गति तय कर लें, अपना अपना पक्ष चुन लें, और वो अगर जिन्हें भुगतान लेना है वो हमारे पक्ष में खड़े हो जाएं, हम आपका भुगतान दिलाएंगे, और जिन्हें भुगतान के मार्ग में बाधा बनना है वो टपका गैंग के साथ चले जाएं। आज एक धूर्त टपका गैंग का नेता जो पहले हमारे यहाँ हुआ करता था, अब कोई संगठन में जोड़ने से पहले किसी की वेरिफिकेशन तो हम करते नहीं है कि ये कौन है क्या है, कोई भी नहीं करता है, जुड़ जाते हैं लोग, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये तो धूर्त हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, दलाल हैं, इनका तो काम ही ठगी और दलाली रहा है। पता चलता है बाद में कि यार पहले ये फलां संगठन में थे, उस संगठन से जूते मार के निकाल दिए, चूंकि इनकी बेईमानी की नीयत थी, इन्होंने अपनी हवस पर नियंत्रण नहीं किया था, वो हमारे संगठन में आ गए, हमें लगा एक्टिव आदमी है तो हमने भी उनको पद दे दिए, सम्मान दे दिया, अब यहाँ आकर के भी उन्होंने वही ठगी और बेईमानी का धंधा जारी रखा, कभी गोंदिया से, कभी वो क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश से, कभी छत्तीसगढ़ से। तो हमें जब पता चला, शिकायतें मिली, हमने भी लात मार के बाहर कर दिया ऐसे लोगों को। अब वो बौखला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि नहीं ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। दोस्तों इनका इतिहास उठाकर देख लो, किन किन संगठनों ने इनको लात मार के बाहर निकाला है, और इसी वजह से निकाला है कि ये अपनी हवस पर नियंत्रण नहीं रख सके, अपनी बेईमानी को अपने विचार से, कर्म से, मन से दूर नहीं कर सके, इनकी नियत में वही रहा। ये जिन कारों में चलते हैं वो आपके पैसे से इन्होंने खरीदी हैं, ठगी के पैसे से स्कीम्स बेच बेच कर आज भी स्कीम्स बेच रहे हैं, आपको फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं, हम न कोई स्कीम बेचते हैं, हमारा लक्ष्य तो केवल और केवल आपका भुगतान है। ये हमसे भी कहा करता था, क्या नाम है इसका, कौन सा मादरे है, कह जी अब तो इतना बड़ा संगठन हो गया है, मैनेज करो साहब चीज़ों को, अब तो अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी, दो तीन राज्यों की जिम्मेदारी मुझे दे दो, मैं ही कई लाख रुपए जो है मंथली आपको दे दिया करूँगा और अपना भी निकाल लूँगा सब कुछ। तो अभी मैंने हाल ही में जब भोपाल विधानसभा का घेराव था, इसको इसके साथी को दोनों को कहा कि भाई मुझे मैनेजरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आंदोलनकारी चाहिए, मुझे सत्याग्रही चाहिए जो सत्य के मार्ग पर चलकर 42 करोड़ लोगों की पीड़ा को दूर कर सकें, उनका भुगतान करा सकें। मुझे मैनेजर्स की ज़रूरत नहीं है, मुझे धन की भूख नहीं है, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, चूँकि तमाम ऐश्वर्य, तमाम धन, तमाम पद, तमाम प्रतिष्ठा मेरे तो कदमों के नीचे रहती हैं, तो मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम कोई अपना संगठन बना लो या कहीं दूर चले जाओ मुझसे, मेरे संगठन में आप मैनेजर नहीं बन सकोगे, यहाँ तो आपको सत्याग्रही बनना पड़ेगा। तो साथियों मैं ऐसे तमाम धूर्तों को चिन्हित कर करके अब अपने संगठन का शुद्धिकरण कर रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है हमारे संगठन का नाम ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार है, और उसकी शॉर्ट फॉर्म तप जप बन जाती है। तो जो तपस्या कर सकेगा, जाप कर सकेगा, त्याग कर सकेगा हमारे संगठन में, तो केवल वही रह पाएगा, उन्हीं का स्वागत होगा। अगर कोई ठग बेईमान दलाल किस्म का व्यक्ति थोड़े बहुत समय के लिए आ भी जाएगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक हमारे संगठन में नहीं रह पाएगा, उसी तरह से चला जाएगा जिस तरह से वो कौन सा सिंह था टपका का संस्थापक जो बना फिर रहा है आजकल, और कौन सा ये मादरे आदरे इस तरह के बहुत सारे हैं। तो ये तमाम लोगों का अंततः ठिकाना ठगी बेईमानी और दलाली है, ये वहीं जाकर रुकेंगे। हमारे साथ केवल सत्यवादी लोग ही रह पाएंगे, चूँकि हमारा मार्ग सत्य का है, भीड़ की आवश्यकता है, चूँकि ये लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में बिना भीड़ के काम नहीं बनता है, लेकिन उसके पश्चात भी हम सत्यवादी हैं, सत्याग्रही हैं, हमें अनैतिक भीड़ की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे सामने भीड़ भी खड़ी होगी तो हम उसको अनैतिक मार्ग पर नहीं जाने देंगे, हम उसको हमेशा सत्य के, न्याय के, कानून के मार्ग पर लेकर के चलेंगे, अहिंसा के पथ पर लेकर के चलेंगे। चूंकि जो परिणाम आप सत्य, न्याय, कानून और अहिंसा के मार्ग से दुनिया को, देश को, समाज को दे सकते हो, वो हिंसा, बेईमानी, ठग, ठगी, छल, कपट के माध्यम से आप कभी नहीं दे सकते। स्थायी सुख, शांति का, समृद्धि का जो मार्ग है वो सत्य, न्याय, कानून और अहिंसा का मार्ग है, और हम उसी मार्ग से चलते हुए आप सबका, देश के 42 करोड़ ठगी के लिए जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करा चुके हैं। ये अब अगर किसी का भुगतान लंबित है तो वो उसकी अपनी लापरवाही, अज्ञानता के कारण है दोस्तों, अन्यथा अब किसी का भुगतान लंबित नहीं है, सबका भुगतान अब आरंभ हो चुका है। चूंकि हमारी पार्लियामेंट ने आप सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बट्स एक्ट 2019 का हथियार आपके हाथों में थमा दिया है, एक कानून बना दिया है जो ये कहता है कि प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा स्टेट वापस करेगा, राज्य वापस करेगा, सरकार वापस करेगी, और जो भी इस हथियार का, इस कानून का इस्तेमाल करेगा उसका पैसा भी उसी तरह से मिल जाएगा। जैसे आदेश मैं रोजाना दिखाता हूं दोस्तों, आज हमारे बिहार के साथियों ने कई स्थानों पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया है, उत्तर प्रदेश में रोजाना कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, कहीं ना कहीं हरियाणा में हो रहा है, महाराष्ट्र में 11 दिसंबर को हम नागपुर विधानसभा तक पैदल मार्च करने जा रहे हैं, 20 दिसंबर को हम रांची में झारखंड विधानसभा पर पैदल मार्च करेंगे, एक विशाल आयोजन हो रहा है। जगह जगह कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, चल रहे हैं, और बिल्कुल भी कहीं से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी साथी को जो हमारे साथ जुड़ेगा उसका भुगतान हम कराएंगे, ये गारंटी है दोस्तों, इसमें किसी को कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम ठगों को और बेईमानों को, ऐसे एजेंट साथियों को सुरक्षा नहीं दिला सकेंगे जिन्होंने जनता का पैसा लेकर स्वयं हड़प लिया है, स्वयं खा गए हैं और कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा नहीं किए। जिस भी एजेंट साथी ने ईमानदारी के साथ जनता का पैसा लेकर किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा किया होगा वो इसका प्रूफ दिखा देगा, कस्टमर्स की आईडी दिखा देगा, उनके खाते नंबर दिखा देगा, उनका बॉन्ड दिखा देगा, रसीद पासबुक दिखा देगा। उस एजेंट साथी को हम दुनिया की किसी भी ताकत को उसकी उंगली तक नहीं पकड़ने देंगे, उसको जेल भेजना या कोई सजा दे देना तो बड़ी बात है दोस्तों। तो मैंने बताया कि मुरादाबाद के मंडल आयुक्त ने 5 जिलों के जिला कलेक्टर्स को आदेशित कर दिया है, आप मेरी फेसबुक आईडी पर जा करके देख लेना, और भी चीज़ें लगी हुई हैं वहाँ जा करके आप देख लेना दोस्तों। राजस्थान में बहुत बड़ी पीड़ा है हमारे समक्ष, हमारे साथियों के समक्ष, के वहाँ की जो वर्तमान सरकार थी कांग्रेस की, उसने धोखा किया, छल किया और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को आधा अधूरा केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर प्रभावी किया, वो भी ऐसा प्रभावी किया कि 5 साल के बाद भी किसी एक व्यक्ति का भुगतान राजस्थान सरकार नहीं कर सकी। तो जो भी नई सरकार आएगी दोस्तों, भले ही कांग्रेस की रिपीट हो जाए या भारतीय जनता पार्टी की बन जाए या किसी तीसरे की बन जाए, जैसे ही सरकार बनेगी राजस्थान में एक बड़ा संघर्ष हम सरकार के खिलाफ आरंभ करेंगे। और जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, झारखंड में, उड़ीसा में, कर्नाटक में, गुजरात में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्रा में और महाराष्ट्र में हमने अपने तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराया है कानून के माध्यम से, वैसे ही राजस्थान के साथियों का भी होगा। आपको ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, दिसंबर शुरू हो चुका है, एक ही महीना का संघर्ष है दोस्तों, ये ज़्यादा संघर्ष अब शेष नहीं है, आप अंतिम मोर्चे पर खड़े हैं और किसी की औकात नहीं, हिम्मत नहीं जो ये कह दे कि आपका भुगतान नहीं करेगा, जो ऐसा कहेगा उसका अंत कर दिया जाएगा हिंदुस्तान की सरजमीन से। बिल्कुल चिंता मत करना, आप सबका भुगतान होगा दोस्तों। और कल मैं भूल गया था, कल महात्मा राजीव दीक्षित जी की जयंती भी थी और उनकी शहादत दिवस भी था 30 नवंबर दोस्तों। वो बहुत अच्छी बात कहा करते थे कि क्रांति
सदनों के अंदर से नहीं हो सकती, संसद के भीतर बैठकर कोई क्रांति नहीं कर सकता। क्रांति जब भी होगी वो सदनों के बाहर बैठे हुए लोग करेंगे, भूखे प्यासे शोषित पीड़ित लोग करेंगे। सदनों में जो बैठ गया वो तो केवल ठगी और बेईमानी करेगा, और यदि जनता जागरूक हो गई तो सदनों में बैठे हुए ठग और बेईमानों को भी हम सत्य के मार्ग पर ले आएंगे, जो सत्य के मार्ग पर नहीं आएगा उसे निश्चित रूप से दंडित करेंगे। दोस्तों, जो ये लोग कांग्रेस की दलाली करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की या बहुजन समाज पार्टी की या समाजवादी पार्टी की या किसी और पार्टी की, मैं उन दलालों को कहना चाहता हूं कि मदन लाल आजाद किसी पार्टी का मेंबर नहीं है, न बनेगा, न उसे कोई पॉलिटिकल पोस्ट चाहिए, सरकारी पद नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पोस्ट तो छोड़िए, कोई राजकीय पद ही नहीं चाहिए, किसी से कोई सम्मान भी नहीं चाहिए, कोई धन भी नहीं चाहिए। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो केवल अपने लोगों से चाहिए, मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ, जिनके भुगतान की लड़ाई है, जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, या मैं जिनके लिए भी लड़ता हूँ उनसे चाहिए, और किसी से कुछ नहीं चाहिए। चूंकि ये आपकी लड़ाई है तो आपके ही पैसे से लड़ी जाएगी, इसलिए जो भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार देश में हैं, किसी भी कंपनी के, किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, चाहे वो सहारा समूह के हों, पीएसए पल्स के हों, टोगो के हों, जीसीए के हों, कल्पतरु केबीसीएल के हों, आरएमसीएल के हों, कर्मभूमि के हों, कल्पबट के हों, रोज वैली के हों, पियर्स अलाइड के हों, जनशक्ति के हों, ट्रिनिटी के हों, साई प्रकाश के हों, साई राम के हों, श्री राम रियल इस्टेट के हों, समृद्धा जीवन के हों, या आदर्श के, या नवजीवन के, संजीवनी के, आपेश्वर के, खेतेश्वर के, मैत्रेय के, गरिमा के, या केलकाम ग्रुप के, या जो दूसरी माइक्रो फाइनेंस लीजिंग वगैरह ये हैं कंपनी, या ये ग्लोरिया प्रॉपर्टीज लिमिटेड के, या पर्ल प्लस इन्फ्रा वेंचर के, पैन कार्ड क्लब लिमिटेड के, निर्मल इन्फ्रा होम के, धेनु ग्रीन इंडिया के, कमाल इंडिया एलाइटेड कंपनी के, KNNC रियल इस्टेट लिमिटेड के, या यूनाइटेड एग्रो लाइफ के, या कैमुना के, या अल्केमिस्ट के, या लोकहित के, या स्वर्ण भूमि मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जैसी जितनी भी कंपनी है, सक्षम डेयरी, जीएन गोल्ड, जीएन गोल्ड बीएनपी, सीएनपी, दुनिया भर की हैं दोस्तों, 3 लाख के लगभग हैं, रोजाना नई नई कंपनीज का आता है जिक्र। आप जिसके भी पीड़ित हैं, जिसने भी आपके साथ ठगी की है, आपका भुगतान हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार कराएगा, बशर्ते आप हमारे संगठन की सदस्यता लें। हम दूसरा यूट्यूब चैनल भी शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, जो तपजप न्यूज चैनल के माध्यम से होगा, नाम से होगा, आप उसको भी सब ज्वाइन करना, उसका लिंक कल मैं दूंगा आपको। चूंकि सरकार बौखलाई हुई है, कुछ पता नहीं कब युगांतर न्यूज को वो शट डाउन कर दे, इसका हमारी फेसबुक आईडी का कर दे, इसलिए तमाम हमारे साथी भी अपने अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें, फेसबुक आईडी क्रिएट कर लें, दो दो तीन तीन व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। चूंकि सोशल मीडिया पर एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ध्यान रखना, जो लोग सोशल मीडिया पर भी लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, जहाँ उनको फ्री स्पीच की पूरी तरह से स्वतंत्रता है, वो लोग सड़क पर भी नहीं आ सकते। सड़क पर आना तो बहुत बहादुर लोगों का काम होता है, साहसी लोगों का काम होता है दोस्तों, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म को आप कमज़ोर मत समझ लेना, यहीं से क्रांति होनी है, यहीं से आपका सब कुछ मजबूत होना है, यहीं से आपका भुगतान होना है। चूंकि सोशल मीडिया के पास ही आज दुनिया में ताकत है और किसी के पास नहीं है, सोशल मीडिया ने बड़े बड़े साम्राज्य उखाड़ पड़े फेंके हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को झुका दिया है, हटा दिया है, कूड़ेदान में फेंक दिया है, इतनी बड़ी ताकत है आज सोशल मीडिया, इसलिए इस हथियार का इस्तेमाल करने से कोई भी चूकना मत, जम के इस्तेमाल करना, खूब आइडिया बनाओ, ग्रुप्स बनाओ, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ भी बना सकते हो आप, इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करो। चूंकि मैन स्ट्रीम का मीडिया अभी आपके साथ नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आपने कोहराम मचा दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उस दिन मैन स्ट्रीम का मीडिया भी आपके कदमों में पड़ा होगा, और सरकार तो आपके तलवे चाटेंगी दोस्तों, और आपका भुगतान 2 से 3 गुना नहीं, 10 गुना तक करेंगी, 180 दिन में नहीं, केवल 1 दिन में करेंगी, मेरी इस बात को ध्यान रखना। अब वो समय आ गया है दोस्तों,
तैयारी करो 30 जनवरी 2023 के महायुद्ध की, जब हम प्रधानमंत्री को या तो भुगतान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे या उनका अनिश्चितकालीन घेराव करके उनको विवश करेंगे, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कराने के लिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, नए जोश, नई उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।